दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज यानी बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। दरअसल केजरीवाल ने याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं केजरीवाल की याचिका पर बेंच के सामने दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। वहीं कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आदर्श आचार संहिता के दौरान एक सप्ताह पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। यदि चुनाव के कारण आपने ऐसा किया है तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सवाल गिरफ्तारी के समय का है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे मुवक्किल को अभी रिहा किया जाए, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी की बुनियाद ही गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी बार बार कहती है कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि ईडी जो बुलवाना चाहती है वह केजरीवाल बोल ही नहीं रहे हैं, बल्कि वे सच बोल रहे हैं। इसे ही ईडी जांच में सहयोग न करने की दलीलें दे रही हैं, जबकि केजरीवाल वही बोल रहे हैं जो सच है। वहीं इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ईडी मेरा अपराध स्थापित करने में विफल रही है, मेरे मानवाधिकारों का उल्लंघन भी किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी 2021 और 22 में लागू की गई आबकारी नीति के मामले में कथित घोटाले को लेकर की गई है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने इस आबकारी नीति के जरिए शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है और बदले में उनसे रिश्वत भी ली है। ईडी ने केजरीवाल को इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। इस केस में केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में बंद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।